मकान पे अभी भी भयंकर आग लग गई है। गोरखपुर में देर रात आग का तांडव देखने को मिला, जब पास में लगे ट्रांसफार्मर की चिंगारी चाय की दुकान पर गिरी और देखते ही देखते ये मंजर भयावह हो गया। दरअसल चिंगारी से चाय की दुकान में रखे सिलेंडर ने आग पकड़ ली और सिलेंडर ब्लास्ट होने से आसपास की 10 से 12 दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। ये आग इतनी भयानक थी कि रात के अंधेरे में दूर दूर तक इसकी धधक महसूस की जा रही थी। सिलेंडर ब्लास्ट से अगल बगल की दुकानें भी एक एक कर इस आग की गिरफ्त में आ गईं और जब सोफे कम प्लास्टिक की दुकान तक ये आग पहुंची और वो दुकान जलनी शुरू हुई तो सब सहम गए। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। नुकसान का आकलन होना अभी बाकी है, मगर इतना तय है कि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी इस आग में स्वाहा हो गई। NBT ऑनलाइन के लिए गोरखपुर से रजत भट्ट की रिपोर्ट।